एपिसोड ऑफ 2021. आई विश 2021 आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर हो, और बेस्ट ना भी हो तो एटलीस्ट 2020 से तो बेटर ही हो. लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है. जैसे आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ऐसा ही रेजोल्यूशन कोरोना वायरस का भी है. यूके में एक नए कोरोना स्ट्रेन का पता चला है. जी हाँ, कोरोना अब नॉर्मल बराती से फूफा जी बन चुका है, क्योंकि नया स्ट्रेन 70% ज्यादा फैलता है. 2020 तक तो हम सिर्फ एंटीवायरस अपडेट करते थे, लेकिन अब तो वायरस भी अपडेट होने लगे हैं. यूके के साथ साथ नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और स्पेन ने भी नए वायरस को मार्केट में उतार दिया है. ऐसा लग रहा है कि कोरोना का ओलंपिक्स चल रहा है. लेकिन खुशी की बात यह है कि इस ओलंपिक्स में भी इंडिया की परफॉर्मेंस सेम ही है अब तक. इन हालातों में यूके गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया है, और इंडिया ने भी इंग्लैंड से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है. हमारे एक नामकरण एक्सपर्ट सीएम ने तो ये सजेशन दिया है कि यूके वाले कोविड का नाम माल्या रख देना चाहिए, फिर वो कभी इंडिया आएगा ही नहीं. पता नहीं ये नया वायरस यूके में कैसे पैदा हो गया, वहां तो बाबा जी के कोविड बूटी बिक रही है. बीबीसी ने इन्वेस्टिगेट किया है कि यूके स्टोर्स में इस बूटी को कोविड इम्यूनिटी बूस्टर की तरह बेचा जा रहा है. लास्ट टाइम इम्यूनिटी की इतनी डेस्परेशन तो मैंने ब्रोडीज में ही देखी थी. हालांकि ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ अब तक मिला नहीं है कि इस बूटी से कोविड इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है. लेकिन इंडिया में तो अगर हॉट चॉकलेट संडे में अदरक, इलायची और हल्दी डाल दो तो वो भी प्राकृतिक औषधि बन जाती है. अरे मेरे भैया तो स्टीमर में भी अदरक डाल देते हैं, उन्हें हर हरी चीज में दवाई दिखती है. एक संडे तो ब्रंच में वो खेत में फसल चढ़ते हुए पकड़े गए थे. वैसे तो ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि कोविड का वायरस शहंशाह की तरह रात को ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र समेत कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने नाइट कर्फ्यू लगा दिए हैं. लेकिन पार्टी करने वाले तो जुगाड़ लगा ही लेते हैं. ऐसे ही मुंबई के एक क्लब में लेट नाइट क्रिकेटर सुरेश रैना, सिंगर गुरु रंधावा और रिसाइकल बिन रैपर पार्टी करते हुए पाए गए. पुलिस ने रेड मारी और 34 लोगों को अरेस्ट कर लिया फॉर वायलेटिंग कोविड रूल्स. अब इसे रहना की हिम्मत कहे कि वो इतने बाउंसर्स के बाद भी वहां से आउट नहीं हुए, या उनकी खराब फिटनेस कि वो उस पतली खिड़की से भी नहीं कूद पाए जिससे इट्स योर बॉय तक कूद गए. इंडिया दुनिया का इकलौता देश है जो एक नारी के रूप में जाना जाता है, भारत माता. तो ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन हमारे यहाँ असली नारी की जो हालत है, सैडली वो बहुत शर्म की बात है. थॉमस रॉयटर्स के 2018 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर अ वुमन. इंडिया में लड़कियों को लाइफ थ्रेटनिंग एडवेंचर के लिए ऋषिकेश, रोडीज या कोविड वार्ड में जाने की जरूरत नहीं है. बस सुबह तैयार होकर घर से निकल जाओ. मैं तो कह रही चाहे तैयार भी मत हो, इनफैक्ट घर से भी मत निकलो. सेक्सुअल वायलेंस जैसे रेप, एसिड अटैक्स, स्टॉकिंग और ईव टीजिंग, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ. वैसे तो इंडिया में क्विक जस्टिस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, पर फिर भी निर्भया केस में वर्डिक्ट एग्जीक्यूट करने में 8 साल लग गए. लेकिन यहाँ के रेपिस्ट इससे काफी ज्यादा तेज है. इंडिया में हर घंटे 4 रेप होते हैं रिपोर्टेड. अराउंड 99% ऑफ सेक्सुअल वायलेंस गोज अनरिपोर्टेड इन इंडिया. और हो भी क्यों ना, हमें सिखाया जाता है कि रेप मींस इज्जत लुटना, नाक कटाना और मुंह काला कराना, जो कि सही भी है अगर अगर ये फ्रेजेस रेपिस्ट के लिए यूज हो. लेकिन हमारे मर्दाना देश में ये सारे फ्रेजेस विक्टिम्स के लिए यूज किए जाते हैं. स्टॉकिंग और टीजिंग को अभी भी फन एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया जाता है. बॉलीवुड को भी तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण से नो मींस नो तक आने में 25 साल लग गए. लेकिन 300 करोड़ तो अभी भी कबीर सिंह ने ही कमाए. पूरी जनरेशन को मिसगाइड कर दिया कि लड़की तो पीछे पड़ के ही पटाई जाती है. हमारे देश में पीछे पड़ के उधार तक वापस नहीं मिलता तो प्यार क्या घंटा मिलेगा. वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की दूसरी सबसे बड़ी वजह है डोमेस्टिक वायलेंस, और एज इन लॉज लाइक टू कॉल इट, साथ तो कुछ लाई नहीं, चपड़ चपड़ और बोलती है. 2020 में केवल 3 महीने में डोमेस्टिक वायलेंस के 32,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं. लेकिन 70% महिलाएं तो डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करने से भी डरती हैं. डोमेस्टिक वायलेंस की एक बड़ी वजह है डाउरी. इंडिया में हर साल 7,000 से ज्यादा महिलाएं डाउरी रिलेटेड मैटर्स में मारी जाती हैं. अब ऐसा नहीं है कि दहेज की प्रॉब्लम पर बात नहीं हुई है, सही बताओ तो दहेज वगैरह तो खत्म ही हो चुका है. अब तो बस गिफ्ट, शगुन और अब आपकी बेटी स्कूटर पर थोड़ी जाएगी, बस यही बाकी रह गया है. इंडिया में ससुराल वाले 4-5 लीटर पेट्रोल तो पहले से ही लेकर रखते हैं कि अगर बहू गाड़ी लाई तो उसमें डाल देंगे और नहीं लाई तो. दहेज प्रथा ने एक दूसरी बुराई को भी जन्म दिया है, फीमेल फीटिसाइड यानी भ्रूण हत्या.
दहेज की वजह से लड़कियों को अनअफोर्डेबल इकोनॉमिक बर्डन समझा जाता है। इंडिया के हस्बैंड लड़की पैदा ही नहीं करना चाहते, वाइफ को लॉटरी मशीन समझकर दांव लगाते हैं कि इस बार तो लड़का ही देगी, और लॉटरी ना लगने पर कई बार गुस्से में टिकट डिस्कार्ड भी कर देते हैं। डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स बेस्ट एफर्ट्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंडिया का जेंडर रेशियो 924:1000 से ज्यादा हो ही नहीं पाया है। एक रिपोर्ट कहती है कि प्री बर्थ सेक्स सिलेक्शन के कारण 1.5 करोड़ से ज्यादा फीमेल्स हमारी पॉपुलेशन से कम हो गई हैं। और मालूम है ज्यादा स्ट्रेंज बात क्या है कि बेटी बचाओ आंदोलन से ज्यादा कामयाबी सेवा टाइगर्स कैंपेन को मिल रही है। हाँ, वैसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उन टाइगर्स में फीमेल कितनी थी। एजुकेशन, हेल्थ और सोशल लाइफ में आज भी भयंकर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। लोअर इनकम ग्रुप्स में लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता है और लड़कियों को जनरल पब्लिक स्कूल्स में। फिर लड़कियों की पढ़ाई के बीच में उनकी शादी कर दी जाती है। इंडिया में लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 18 साल है, मैंडेटरी नहीं। मम्मी यहाँ वहां मत देखो, आप ही से बात कर रही हूँ। फिर भी 42% ऑफ द इंडियन वुमेन वर मैरिड वे बिफोर देयर लीगल मैरिज एज। दुनिया की 33% चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में होती हैं, और मुझे समझ नहीं आता है कि 100% इंडिया को इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं है। चाहे चाइल्ड मैरिज हो, डाउरी हो, फीमेल फिटिसाइड हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, लीगली सब बैंड है हमारे यहाँ। सबके खिलाफ कानून बने हुए, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेल एटीट्यूड ठीक नहीं होगा, ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती रहेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज्यादा जरूरी है बेटे को सेंसिटिव बनाओ। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही एक इनसेंसिटिव इंसान से जो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल क्लासेस चला रहा है।